हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयवर्धन गौर एंड वेलकम टू वर्धन सर। ब्लड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, सॉलिड एंड लिक्विड। ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है इसको ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, जो कि 45% ऑफ ब्लड होता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, जिसको हम मैट्रिक्स ऑफ ब्लड भी कहते हैं, प्लाज्मा को, वो ब्लड का 55% पार्ट होता है, जो कि हम ब्लड पार्ट वन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो अभी उसको जाके देख लो, और उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाएंगे। तो ब्लड पार्ट वन में हम ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट, जो कि प्लाज्मा है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 55% जो ब्लड है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हम देखेंगे अपना टॉपिक, जो कि ब्लड कॉर्पस्कल्स है। 45% ब्लड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड कॉर्पस्कल, ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी हम पहले पढ़ेंगे। तो आरबीसी जो है, इनको रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या फिर एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी जो मैमल्स के अंदर होते हैं वो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। बाइकॉनकेव शेप के आपने लेंस भी देखे होंगे फिजिक्स के अंदर। तो बाइकॉनकेव शेप कैसा होता है, जिसका एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस बाहर से ऐसा है। तो ऐसे शेप को हम बाइकॉनकेव शेप कहते हैं। बाई मतलब दो, कॉनकेव मतलब जिसके साइड ऐसे अंदर की तरफ ढसी हुई हो। तो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं आरबीसी, और सर्क्यूलर होते हैं, मतलब गोल गोल उनकी सर्कमफ्रेंस होती है, और नॉन न्यूक्लियेटेड, और अंदर उनके न्यूक्लियस नहीं होता। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियस है उनके अंदर क्या शुरू से नहीं होता या फिर बाद में आके हट जाता है। तो ऐसा है कि जब आरबीसी का ओरिजिन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो शुरुआत में तो न्यूक्लियस होता है, बट बाद में जा करके जब आरबीसी मैच्योरेशन के फेज में जा रही होती है, जब आरबीसी मैच्योर हो रही होती है, तो उसका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। किस प्रोसेस में? मैच्योरेशन प्रोसेस में। और इसका फायदा आरबीसी को क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर आ सकता है, और आरबीसी का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। गैस को वो ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी कि ऑक्सीजन को लंग से लेके टिश्यू तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लेके लंग्स तक पहुंचाना। तो इसके लिए जैसी न्यूक्लियस हट गया आरबीसी के अंदर से, तो पूरा अंदर जितना भी स्पेस है वो उसके फंक्शन के लिए बच गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अब आरबीसी के अंदर आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा गैसेस अब आरबीसी के अंदर जा सकती है, इसलिए न्यूक्लियस आरबीसी में नहीं है। फिर उसके बाद मैच्योरेशन के टाइम पे न्यूक्लियस जो है हट जाता है, शुरुआत में होता है। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, जैसे कि हम जानते हैं कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इसीलिए उसकी शेप कैसी हो गई, बाइकॉनकेव शेप हो गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर आ सके। तो आरबीसी का जो जनरल शेप है मैमल्स के अंदर वो बाइकॉनकेव है, पर कुछ मैमल्स हैं जैसे कि कैमल और लामा, ये है तो मैमल्स बट इनका जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉनवेक्स है, मतलब दोनों साइड से ऐसे उठा हुआ, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी ऐसे उठा हुआ है। तो इनका जो शेप है वो कैसा है, बाई कॉन्वेक्स है। तो ये मैमल्स के एक्सेप्शन है, कैमल और लामा, जिसके अंदर बाई कॉन्वेक्स शेप की आरबीसी पाई जाती है या फिर ओवल शेप की आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है, मतलब आरबीसी को जो अंदर से सपोर्ट करता है, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्केलेटन होता है वो काफी स्पॉन्जी होता है, और उसको स्ट्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोमेटिन पूछा जा सकता है। और इसका जो साइटोस्केलेटन होता है या एंडोस्केलेटन कह सकते हैं इसको, ये बना रहता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन का, फैट्स का और कोलेस्ट्रॉल का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसके अंदर एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने सेल बायोलॉजी में देखा था कि सेल बायोलॉजी के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर मिलने वाले ऑर्गन्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ऐसी ऐसी चीजें आरबीसी के अंदर एब्सेंट होती हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने दो तरह का पढ़ा था वहां पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो दोनों ही आरबीसी के अंदर एब्सेंट होते हैं, मतलब नहीं मिलते। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की, जो आरबीसी एक एनिमल सेल है, तो उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिस मतलब सेल मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की, उसको डोनान्स मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या
क्या बोलते हैं उसको, डोनांस मेम्ब्रेन, क्योंकि उस मेम्ब्रेन के थ्रू एक डोनांस फिनोमेना होता है। अभी डोनांस क्या है, एक साइंटिस्ट थे गिब्स डोनांस, उन्होंने आरबीसी पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता चला कि आरबीसी किसी तरह के आयंस के लिए ज्यादा परमिएबल होती है और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयंस के लिए कम परमिएबल होती है या इम्परमिएबल होती है। इम्परमिएबल मतलब उसको परमिशन नहीं देती अपने थ्रू फ्लो होने की। तो जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आरबीसी की है, वो एक ऐसा फिनोमेना करती है जिससे कि वो सबसे ज्यादा परमिएबल रहती है बाइकार्बोनेट आयन के। तो ये याद रखने वाली बात है कि आरबीसी कौन से आयन के सबसे ज्यादा परमिएबल होती है, तो बाइकार्बोनेट आयन HCO3- जो आयन है इसके थ्रू, इसके लिए जो है ज्यादा परमिएबल रहती है, हाईली परमिएबल। जबकि जो पोटेशियम और सोडियम आयन्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयन्स हैं, उनके लिए ये इम्परमिएबल होती है, उनको परमिशन नहीं देती अपने थ्रू पास होने के लिए। तो ये गिब्स डोनांस हैं एक साइंटिस्ट, उन्होंने पता लगाया था, इसीलिए इस फिनोमेना को कहते हैं डोनांस फिनोमेना। और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। फिर इसके बाद आरबीसी के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होते हैं। तो जैसे कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ फूड नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। तो आरबीसी रेस्पिरेशन तो करती है, क्योंकि हर एक लिविंग सेल क्या करता है, रेस्पिरेशन, हर एक लिविंग सेल को फूड का ब्रेक डाउन करना होगा और यूज करना होगा उस फूड को अपनी डेली फंक्शन करने के लिए। तो आरबीसी का को अपना डेली अगर फंक्शन करना है तो फूड का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, बट वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक डाउन करने वाला माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के पास नहीं है। तो वो कैसे काम होगा, वो काम होगा थ्रू ग्लाइकोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक सेल के अंदर होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म हर एक सेल के अंदर मिलेगा, हर एक लिविंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मिलेगा और ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। इसीलिए आरबीसी के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस वाले एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है, इसीलिए जो जितनी भी एटीपी बनने होते हैं ग्लाइकोलिसिस से उसमें बन जाते हैं। तो क्रेब साइकिल भी एब्सेंट होती है आरबीसी के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है और उसके अंदर होने वाला जो क्रेब साइकिल है यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन है वो भी एब्सेंट होता है। आरबीसी की जो सरफेस है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, डोनांस मेम्ब्रेन, उसकी सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, उन प्रोटीन्स को बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिनके रेस्पेक्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो एंटीजन प्रोटीन्स आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। होते क्या है एंटीजन, प्रोटीनिशियस बॉडीज होती हैं, प्रोटीन होते हैं। तो आरबीसी की सरफेस पर हम वैसे तो बहुत तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं, बट हमारे जो कोर्स में है वो दो तरह के हैं, ABO प्रोटीन्स और दूसरा है RH एंटीजन। तो अगर हम देखें ये जो आरबीसी की सरफेस है, ये वाली डोनांस मेम्ब्रेन वाली आरबीसी है, ये इसकी डोनान मेम्ब्रेन है, मतलब सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ए एंटीजन, ये बी एंटीजन और एक RH एंटीजन। तो जब हम किसी का ब्लड ग्रुप कहते हैं कि ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो जो रेफरेंस होता है वो RH एंटीजन का होता है। अगर RH एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर होगा तो पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर RH एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर नहीं होगा तो हम नेगेटिव बोलेंगे, और अगर ए एंटीजन होगा तो ए और बी एंटीजन होगा तो बी, अगर ये दोनों पाए जाएंगे आरबीसी की सरफेस पे तो हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। तो सिर्फ ए हुआ, बी नहीं है प्रोटीन, तो हम क्या बोलेंगे, ए ब्लड ग्रुप है उसका, बी है ए नहीं है तो बी ब्लड ग्रुप है। और अगर RH पॉजिटिव, RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, और RH एंटीजन एब्सेंट है तो नेगेटिव। तो ये सब हम उसमें एक बार देख लेंगे किसी वीडियो में, जब हम ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो उस पर देख लेंगे, पर हम इस यहाँ पर ये बता देते हैं कि आरबीसी की सरफेस पे कुछ एंटीजन मतलब कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि ए बी, अगर ये दोनों ही नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होता है, ओ का मतलब एब्सेंट मान लेते हैं यहाँ पे। अगर ए एंटीजन भी नहीं है, बी एंटीजन में भी नहीं है, तो ऐसे लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ होता है। तो सिंगल आरबीसी कैसी दिखाई देती है, पेल येलो कलर की दिखाई देती है, बट आरबीसी का अगर पूरा ग्रुप देखें
बहुत सारी आरबीसीज को एक साथ देखें तो वो रेड कलर की दिखाई देंगी। अब आरबीसी रेड कलर की क्यों होती है? क्योंकि आरबीसी के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है, और वो पिगमेंट कैसा होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, मतलब रेस्पिरेशन के काम में आता है वो पिगमेंट। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का कलर होता है रेड। तो उस पिगमेंट का क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। HB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक आरबीसी के अंदर करीब 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में अगर हम देखें तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन। अब आयरन और हीम ये एक साथ कैसे बोला गया? मतलब आयरन तो आयरन होता है और आयरन का जो सिंबल होता है Fe होता है, तो हीम क्यों बोला गया? एक्चुअली आयरन का जो ओर होता है वो हेमेटाइट ओर होता है। मतलब आयरन को जिस ओर के अंदर से निकालते हैं उस ओर का नाम क्या है? हेमेटाइट। तो इसीलिए जो आयरन है उसको यहाँ पर हीम बोला गया है, और जो आयरन जिस ग्लोबिन मॉलिक्यूल में होता है उसको ग्लोबिन मॉलिक्यूल बोला गया है। तो हीमोग्लोबिन इस पूरे का नाम होता है हीम, मतलब 5% पार्ट, बाकी का ग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है 95% पार्ट। तो हीम जो पार्ट है उसके अंदर आयरन और पोरफायरिन हेड होता है। आयरन जो होता है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा हीमोग्लोबिन के अंदर, पूछा जा सकता है। तो Fe+2 के अंदर आयरन जो है मिलेगा, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2 होगी। क्यों? क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है। तो जो हीमोग्लोबिन का हर एक मॉलिक्यूल होता है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। अगर इस बात को एटम्स की फॉर्म में पूछा जाए नीट में, तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 टू ज़ 8, 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, जबकि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस को कैरी कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी गया है काफी बार और आ भी सकता है फिर से। हीम पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब आते हैं ग्लोबिन वाले पार्ट पर। तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट है वो एक्चुअली एक ग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आती है, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आती है, जिसमें कि अल्फा बीटा या अल्फा गामा या अल्फा डेल्टा ऐसे करके ये चेन्स होती हैं। अल्फा सम में प्रेजेंट होगी, समझते हैं। अगर कोई फीटल हीमोग्लोबिन है, मतलब फीटस यानी कि अभी बच्चा मदर के फीटस फॉर्म में है, मदर के अंदर है, मदर के यूट्रस के अंदर है, फीटस की फॉर्म में, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन मिलेगी वो कौन सी वाली होगी? फीटल हीमोग्लोबिन, जो कि 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगी। अगर अडल्ट है कोई अडल्ट ऑर्गेनिज्म है, मैमल है, तो फिर उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा वो हीमोग्लोबिन ए होगा, जिसके अंदर 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अब जो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये ऑक्सीजन को काफी अच्छे से बाइंड करके रखती है अपने साथ, इसीलिए जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्या होती है? ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के साथ। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इज मोर देन अडल्ट हीमोग्लोबिन। तो जो फीटस होता है वो अच्छे से ऑक्सीजन को अपने से बाइंड कर लेता है उसका हीमोग्लोबिन, एज कंपेयर टू अडल्ट। जो आरबीसी का साइज होता है वो होता है 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर की आरबीसी होती है जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है। अगर मान लो आरबीसी के अंदर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब किसी को विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो आरबीसी का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और मैक्रोसाइट्स आरबीसी उसको बोला जाएगा। दीज इमेच्योर आरबीसीज, ये जो आरबीसी होती है मैक्रोसाइट्स वाली, जिनका साइज बड़ा हो जाता है, जब स्प्लीन से होकर के गुजरती है तो स्प्लीन इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो आरबीसी होती है इनका हीमोग्लोबिन काउंट तो नॉर्मल होता है, बट इनको डिस्ट्रॉय कर देता है स्प्लीन, क्योंकि इनका साइज क्या है? बड़ा हो चुका है, अब नॉर्मल साइज है। अगर मान लो आरबीसी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब किसी ह्यूमन के अंदर आयरन की कमी हो जाए, तो फिर हीमोग्लोबिन किससे बना है? आयरन से बना है, तो डायरेक्टली उसमें किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। और ऐसी आरबीसी जिसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है उस आरबीसी का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा, इसलिए उस आरबीसी को बोला जाएगा माइक्रोसाइट्स। माइक्रो मतलब छोटा। तो इसीलिए ऐसी आरबीसी जब स्प्लीन के थ्रू होकर के गुजरेगी तो उसको भी स्प्लीन क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा।
फिर उसके बाद आरबीसी की शेप बाइकॉनकेव होती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका ये फायदा होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सिकल सेल एनीमिया, ये एनीमिया मतलब आरबीसी का लॉस होना, बट इस केस में सिकल सेल में क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। कैसी शेप की हो जाती है? सिकल शेप की हो जाती है। फिर उसके बाद आरबीसी को अगर हम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखें, मतलब आरबीसी जो सेल है उसको अगर हम किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, तो आरबीसी के जितना भी अंदर वाटर होगा या फिर लिक्विड होगा, वो सारा पार्ट कहाँ चले जाएगा? बाहर की ओर चले जाएगा, मतलब सॉल्यूशन के अंदर चले जाएगा। तो आरबीसी के अंदर कोई लिक्विड नहीं रहेगा, तो आरबीसी कैसी हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। अगर मान लो आरबीसी को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसा होता है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखें, तो आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी अंदर घुस जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लिक्विड या वाटर आरबीसी के अंदर चले जाएगा, जिससे कि आरबीसी क्या हो जाएगी? बस्ट हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर उसको रोकने वाला सेल वॉल नहीं है, क्योंकि आरबीसी क्या है, एक एनिमल सेल है, और एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। यही काम अगर हम किसी प्लांट सेल के साथ करते हैं तो बस्ट नहीं होती। हाँ, वो वाला सेल, प्लांट सेल क्या हो जाता? स्वेल अप हो जाता, सिर्फ सूज जाता, स्वेल अप हो जाता, पर बस्ट नहीं होता, क्योंकि उसको वहां पर सेल वॉल बचा लेती। बट आरबीसी क्या होगा? बस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस पर पड़ेगा। आरबीसी की लाइफ स्पेन क्या होती है? 120 डेज। 120 डेज के बाद आरबीसी अपने आप मर जाती है और इसको साफ कर दिया जाता है स्प्लीन के द्वारा। आरबीसी काउंट, अगर मान लो कि एक मेल है, उसके अंदर आरबीसी का कितना काउंट मिलेगा? तो 5.5 मिलियन मिलेगा, जबकि फीमेल के अंदर आरबीसी 4.5 मिलियन देखी जाएंगी। अगर आरबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाए तो इसको हम एनीमिया कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीमिया। अगर आरबीसी का काउंट गिर जाए, कम हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। अगर ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण हुआ है तो इसको बोलेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, मैक्रोसाइट हो गई आरबीसी, इसीलिए स्प्लीन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो एबनॉर्मल शेप थी। स्प्लीन चाहता है कि बॉडी के अंदर जितनी भी आरबीसी रहे वो एक नॉर्मल शेप के अंदर रहे। अगर मान लो आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस केस को कहेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा, माइक्रोसाइट हो जाएगा। अगर मान लो एक्सीडेंट हो जाता है और आरबीसी का लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो ऐसे केस को हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। फिर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर बनती कैसे है, तो आरबीसी के बनने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। पॉइसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन होना, और एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोपोइसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स का बनना। किस ऑर्गन के अंदर आरबीसी बनती है? तो ऐसे ऑर्गन्स को बोला जाता है एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो जो बोन्स होती हैं उनके बीच में, कौन सी बोन्स? हॉलो बोन्स, जो बोन्स अंदर से खोखली होती हैं, और उनके अंदर क्या भरा रहता है? रेड बोन मैरो, RBM, रेड बोन मैरो उनके अंदर भरा रहता है। तो ऐसी बोन्स के अंदर, जो स्पॉन्जी बोन्स कहलाई जाती है, उनके अंदर रेड बोन मैरो भरा रहता है, उनके अंदर आरबीसी बनती है और वो ब्लड में आ जाती है। हार्मोन जो आरबीसी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो किडनी रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन किडनी रिलीज करती है, और इस हार्मोन की वजह से ही आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले आरबीसी कहाँ बनी थी पूरी बॉडी के अंदर? जब हम फीटस फॉर्म में थे, तो जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, 4 एम्ब्रियोनिक लेयर से जो फीटल बॉडी कवर रहती है, जैसे कि एमनियन, कोरियन, योक्सैक और एलेंटोइस, उसमें से योक्सैक जो है हमारी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल जो मेम्ब्रेन्स हैं वो इसको बनाती हैं। फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाय योक्सैक। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जब एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है कोई भी, तो आरबीसी कौन कौन से ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं? लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा और थाइमस ग्लैंड। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी कौन कौन हमारा जो ऑर्गन है वो बनाता है, तो लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा और थाइमस ग्लैंड आरबीसी का प्रोडक्शन करते हैं। और जो अडल्ट होते हैं उनके अंदर रेड बोन मैरो, जैसे मैंने बताया हॉलो बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है। बोन मैरो भी दो तरह के होते हैं, व्हाइट बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो आरबीसी कौन बनाएगा? रेड बोन मैरो बनाएंगे। तो
आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो स्प्लीन करती है, मतलब कोई एबनॉर्मल आरबीसी हो जाए तो उसका जो डिस्ट्रक्शन होगा वो स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर मान लो आरबीसी ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाए तो थोड़ी देर के लिए स्प्लीन जो है आरबीसी को स्टोर भी करके रख सकती है, इसलिए आरबीसी को मतलब स्प्लीन को बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। बॉडी का ब्लड बैंक भी किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब कब्र आरबीसी की जो खोदता है उसको भी, वो भी किसको कहते हैं, स्प्लीन को ही कहते हैं। आवर नेक्स्ट ब्लड सेल इज WBC, इसकी फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको का मतलब व्हाइट, साइट्स का मतलब सेल, इसीलिए इसको व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं और ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल काउंट होता है ब्लड के अंदर 6000 से लेके 8000 WBC मिलती है 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर। अगर मान लो 8000 से ऊपर ये बढ़ती हुई दिखाई देती है 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो TLC जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 8000 से ऊपर बढ़ा हुआ आता है, ये कंडीशन बताता है डॉक्टर को कि कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर। अगर मान लो ल्यूकोसाइट काउंट जो TLC है कम हो जाए 6000 से, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया में जो TLC है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये कम हो जाता है 6000 से नीचे गिर जाता है, और ये कंडीशन आती है बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ टाइफाइड में भी आ सकती है ये, और एड्स के अंदर भी ल्यूकोसाइटोपिनिया कंडीशन देखी जाती है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। अगर एबनॉर्मल नंबर इंक्रीज हो जाए WBC का अगर एबनॉर्मली नंबर इंक्रीज हो जाए मोर देन 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा अगर WBC बढ़ गई है, तो ये ब्लड कैंसर की कंडीशन होती है, इसको ल्यूकेमिया कहते हैं। जो WBC है उसको उसके न्यूक्लियस और उसके साइटोप्लाज्म के बेस पे दो जगह डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। अगर WBC के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, उन WBCs को ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। और अगर WBC के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते तो ऐसी WBCs को बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ऐसी WBC जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं वो तीन होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इन तीन के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स मिलेंगे और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टी लोब्ड होगा, मतलब एक से ज्यादा लोब में न्यूक्लियस डिवाइडेड होगा, और वो तीनों लोब या दो लोब जितने भी लोब होंगे, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है, काफी लोब में पाया जाता है, तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहेंगे। तो ऐसी WBCs को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर WBC, मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फो मतलब फॉर्म, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे WBC इसके अंदर जो न्यूक्लियस है काफी ज्यादा और काफी फॉर्म में पाया जा रहा है, तो पॉलीफॉर्मो न्यूक्लियर WBC किसको बोला जाता है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को बोला जाता है। ये WBCs जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो के अंदर। तो आइए इसको समझते हैं, पहले देख लेते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स को। ए ग्रेनुलोसाइट्स वो WBC होती हैं जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं मिलते, मतलब उनका साइटोप्लाज्म एकदम क्लियर होता है और ए ग्रेनुलर होता है, इनके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ट्रांसपेरेंट होता है इनका साइटोप्लाज्म। तो फिर न्यूक्लियस डू नॉट डिवाइड इन लोब्स, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो भी लोब्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होता जैसे ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर था। इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलता है, मोनो न्यूक्लियर WBC, ये भी बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। ये दो तरह की होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स टू टाइप्स की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट दो टाइप की, तीन टाइप की होती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। टोटल जो WBC होती है वो 5 टाइप्स की होती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, जिसको हम इस चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। तो जो सारी यहाँ पर दोनों टाइप की जो WBC है, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, पहले हमने दिखा रखी है ग्रेनुलोसाइट्स, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों किसमें आती हैं, ग्रेनुलोसाइट में। क्यों, इनके आप साइटोप्लाज्म में देख सकते हो ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ये रही इन तीनों साइटोप्लाज्म में, इन तीनों WBC के साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हो ग्रेन्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है। और ये जो दो साइटोप्लाज्म है WBC के, WBC ये आपको नहीं दिख पा रहा होगा,
तो ये जो साइटोप्लाज्म है WBC का, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। और इनका आप देख पा रहे होंगे जो न्यूक्लियस है ये दो लोब में बटा हुआ है, एक दो, इसका 1 2 3 थ्री लोब में, और इसका 4 लोब में, 1 2 3 4। तो ये जो लोब में बटा रहता है ये न्यूक्लियस, इसलिए इसको मल्टी लोब न्यूक्लियस भी बोला गया है। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं वो मल्टी लोब्ड और उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो ए ग्रेनुलोसाइट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और इनका न्यूक्लियस भी एक ही होता है, लोब्स में डिवाइडेड नहीं रहता। तो अगर साइज देखा जाए तो साइज में सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट्स, 12 to 20 माइक्रोमीटर की, सबसे लार्जेस्ट हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि सबके साइज याद नहीं रखने हमको, कौन सी सबसे लार्जेस्ट होती है फाइव में से, मोनोसाइट सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स, 6 से लेके 16 माइक्रोमीटर तक की सबसे छोटी होती है लिम्फोसाइट्स। अगर लाइफ स्पेन देखा जाए तो एसिडोफिल्स जो है ये 14 आवर्स तक इनकी लाइफ होती है, बेसोफिल्स की 10 आवर्स, और न्यूट्रोफिल्स की 12 आवर्स, मोनोसाइट्स की less than 24 आवर्स, और ब्लड में पाई जाती हैं, ब्लड के अंदर 24 घंटे से कम होती है इनकी, और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं 5 to 7 days ब्लड में रह सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्पेन होती है वो लिम्फोसाइट्स की होती है, 5 से 7 दिन तक जिंदा रह सकती हैं, और बेसोफिल्स सबसे कम 10 घंटे तक जिंदा रह सकती हैं। अगर देखा जाए कि इनका नाम एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स क्यों पड़ा, क्योंकि ये जिस डाई से स्टेन होती हैं वो एसिडिक डाई थी, ऐसे एसिडोफिल्स जो है वो एसिडिक डाई से स्टेन होती है, जिसको बोलते हैं ईओसिन डाई, तो फिर इसीलिए इनका नाम एसिडोफिल्स पड़ गया। और जो WBC बेसिक डाई से स्टेन होती हैं, इन जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, तो उन WBC का नाम बेसोफिल्स पड़ गया, और वो WBC जो ना तो एसिडिक डाई से ना बेसिक डाई से दिखाई देती, वो न्यूट्रल किसी भी डाई से मतलब दिखाई नहीं देती हैं, मतलब किसी भी न्यूट्रल डाई से दिखाई दे जाती हैं, तो उनको न्यूट्रोफिल्स बोल दिया गया। अब बात आती है कि एसिडोफिल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, 1 2, तो एसिडोफिल्स के अंदर बाइलोब, बेसोफिल्स 2 लोब हो सकते हैं, 3 लोब भी हो सकते हैं, और किस शेप की होती है, एस शेप न्यूक्लियस होता है। अगर पूछा जाए एस शेप्ड न्यूक्लियस किस WBC का होता है तो बेसोफिल्स, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एस शेप्ड न्यूक्लियस किस WBC का होता है तो बेसोफिल्स आंसर जाएगा, और न्यूट्रोफिल्स के अंदर 3 से लेके 5 लोब प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर मल्टी लोब्ड बीडेड लाइक स्ट्रक्चर पूछा जाए तो फिर न्यूट्रोफिल्स का आंसर जाएगा। और जो मोनोसाइट होते हैं उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, किडनी शेप या बीन शेप, आप देख सकते हैं ये जो मोनोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस है थोड़ा किडनी शेप या राजमा जैसे बीन शेप्ड है, और जो लिम्फोसाइट होते हैं इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, और साइटोप्लाज्म थोड़ा पेरीफेरी पर होता है, और न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा जगह घेर लेता है। फंक्शन क्या होता है एसिडोफिल्स का, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट एलर्जी, तो एलर्जी के अगेंस्ट कौन सी रिलीज होती हैं, एसिडोफिल्स रिलीज होती हैं, और पैरासिटिक इन्फेक्शन, कोई भी पैरासाइट बॉडी के अंदर आ जाता है तो एसिडोफिल सबसे पहले सीक्रेट होंगी, तो एलर्जी में और पैरासिटिक इन्फेक्शन में एसिडोफिल्स ज़्यादा होती हैं सीक्रेट। और बेसोफिल्स, बेसोफिल्स का फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आती हैं, हिपेरिन रिलीज करती हैं और सीक्रेट करती हैं हिपेरिन को, और हिस्टामाइन को, और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन है, हिस्टामाइन एक केमिकल है, और जो कि एलर्जी के टाइम पे रिलीज होता है हिस्टामिन, और हिपेरिन एक ब्लड एंटीकोएगुलेंट है, तो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है हिपेरिन। तो ये सब कौन सीक्रेट करता है, बेसोफिल्स, इसका काम भी यही होता है, और एलर्जी में भी ये थोड़ी बहुत रिलीज हो जाती है बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है फेगोसाइटिक नेचर, मतलब कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह देखा तो इसमें क्या कर लेना है, फेगोसाइट कर लेना है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना है अपने अंदर ला करके। अगर मोनोसाइट का वर्क देखें तो ये स्केवेंजर सेल भी बोलते हैं इनको, ये हर एक तरह के जो डेड डिकेइंग मटेर होता है हमारे पूरी बॉडी के अंदर, उसको क्या करती है, एंगल्फ कर लेती है अपने अंदर और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, चाहे वो अपना सेल हो, ब्लड सेल जो कि मर जाता है वो, या फिर बैक्टीरिया या वायरस हो उसको भी। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं, टी किलर सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज सीक्रेट करते हैं, टी सप्रेसर सेल होते हैं, टी किलर सेल, बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स भी काफी तरह के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर यही पूरी
इम्यूनिटी को हमारी बनाए रखते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को। अगर नंबर देखा जाए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ये पूरी टोटल जितनी भी WBC है पांचों टाइप की, अगर इन सब का काउंट देखते हैं तो बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अगर आपने CBC कभी कराया होगा कंप्लीट ब्लड चेकअप, तो उसमें एक तो दिखाते हैं TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसमें एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट सबको मिला करके बताते हैं। अगर इनका डिफरेंट बताएंगे, सिर्फ एसिडोफिल्स का कितना काउंट होता है, बेसोफिल्स का कितना काउंट होता है, न्यूट्रोफिल्स का कितना होता है, मोनोसाइट्स का कितना होता है, लिम्फोसाइट्स का कितना होता है, तो उसको बोलते हैं DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। और ये TLC के रेस्पेक्ट में बताते हैं। अगर सबसे देखते हैं कि TLC का 2 to 3% पाई जाती है एसिडोफिल्स, 0.5 से 1% पाई जाती है मिनिमम जो होती है वो बेसोफिल्स पाई जाती हैं, और 60 से 65% मैक्सिमम नंबर में होती हैं न्यूट्रोफिल्स, और 6 to 8% TLC का होती है मोनोसाइट्स, और बाकी का बचा हुआ 20 से 25% TLC का होती है लिम्फोसाइट। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स, उससे कम थोड़ी लिम्फोसाइट्स, और उससे कम न्यूट्रोफिल्स, सॉरी न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा, फिर उससे कम लिम्फोसाइट्स, उससे कम मोनोसाइट्स, उससे कम एसिडोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। डायग्राम इसका देख सकते हो आप, किसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, किसके अंदर कितने कितने लोब्स हैं। तो ये क्या है, ए ग्रेन्यूल, ये सारे ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, सबके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो इसलिए ये ए ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। तो ये सब पूरे टेबल के अंदर आ गया है और इसको आप लर्न कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड ब्लड सेल की, जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो साइज होता है वो होता है प्लेटलेट का साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर का, और जो लाइफ स्पेन होती है इसकी, जो लाइफ होती है प्लेटलेट की, वो 2 to 4 5 days होती है। मतलब हर 3 से 4 दिन में प्लेटलेट बन भी जाती हैं, और जो 2 दिन पहले बनी थी, 2 3 दिन पहले बनी थी, वो मर भी जाती हैं। और जो प्लेटलेट का काउंट होता है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होता है 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर। और ये काफी पता रहता है, रिक्शे वाले को भी पता रहता है प्लेटलेट 1.5 लाख होनी चाहिए, क्योंकि डेंगू इतना कॉमन हो गया है इंडिया में, तो रिक्शे वाला भी डॉक्टर बन गया है अब तो, कि उसको पता है कि प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख करीब होनी चाहिए बॉडी के अंदर। उससे नीचे है तो डेंगू की कंडीशन, आप यानी कि आपके अंदर डेंगू वायरस आ चुका है। तो वैसे भी बुखार में यानी कि नॉर्मल फीवर में प्लेटलेट गिर जाती हैं, बट अगर काफी तेजी से प्लेटलेट गिर रही हैं तो डेंगू फीवर होने के चांसेस हैं। तो प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। इनके अंदर भी न्यूक्लियस एबसेंट होता है, तो RBC और प्लेटलेट दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस एबसेंट होता है। WBC के अंदर न्यूक्लियस मिलता है, और काफी अलग अलग तरह का न्यूक्लियस मिलता है WBC के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स बोलते हैं WBC को। और ये कहाँ बनते हैं प्लेटलेट? बोन मैरो से बनते हैं। तो बोन मैरो के अंदर एक सेल होता है मेगा कैरियोसाइट सेल, उससे क्या बनते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स बनते हैं। जो शेप होता है सॉरी प्लेटलेट्स का, वो होता है डिस्क लाइक ओवल शेप या बाई कॉन्वेक्स शेप होता है प्लेटलेट्स का। जो प्लेटलेट सेल्स होते हैं इनके साइटोप्लाज्म के अंदर बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये मिथाइलिन ब्लू जो कि एक बेसिक डाई है उससे दिखाई देते हैं। जब से हम मिथाइलिन ब्लू से हम क्या कर लेंगे, जब इसको स्टेन कर लेंगे प्लेटलेट को, तो हमें प्लेटलेट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अगर प्लेटलेट्स का काउंट नीचे गिर जाए तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और जो क्रिटिकल काउंट होता है थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट्स का, वो 40,000 per mm³ से क्यूब होता है। अगर 40,000 से नीचे मतलब 40,000 से नीचे अगर प्लेटलेट गिर जाती है तो क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं, और बॉडी पे लाल लाल कलर के स्पॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम रेड स्पॉट्स या रैशेस कहते हैं स्किन के ऊपर। और इस डिसीज को कहते हैं परप्यूरा डिसीज। अगर बॉडी के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स या रैशेस दिखाई देने लग जाएं, किसकी वजह से? प्लेटलेट का काउंट 40,000 per mm³ से नीचे आने की वजह से। तो ऐसी डिसीज को हम बोलते हैं परप्यूरा डिसीज जो, और डेंगू डिसीज इसको नाम। फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट के जो फंक्शन होते हैं वो मेजर तीन होते हैं। एक तो सेरोटोनिन हार्मोन को सिंथेसाइज करना, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। ब्लड क्लॉटिंग में कैसे हेल्प करता है प्लेटलेट? प्लेटलेट एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जब तक ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये सिंथेसाइज नहीं होगा, तो ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा। इसीलिए
ब्लड क्लॉटिंग में भी प्लेटलेट हेल्प करती है बाय सीक्रेटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। और एक और चीज में हेल्प करती है प्लेटलेट्स, हमारी जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज, उनकी जो एंडोथीलियम वॉल है, मतलब उनके अंदर एक लेयर होती है एंडोथीलियम, उसको रिपेयर करके, कैसे रिपेयर करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, सॉरी ब्लड बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे कि जो एंडोथीलियम है वो रिपेयर हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच।